बैठे हुए हैं, अनेक तरीके से, कभी कुछ लोग आंदोलन को ताकि संगठित रूप से चलाने का आवश्यकता है। यहाँ जिस तरह से सरकार है उसी तरह से एक दिन पहले ही पूरा व्हाट्सएप टेलीग्राम पे लीक था, और इस पेपर लीक होने के बावजूद जो है इन्होंने पेपर लिया, उसके बाद इन्होंने नोटिस जारी कर दिया, हमने ईमानदारी पूर्वक पेपर कराया, जबकि ये पेपर बहुत बृहद स्तर पे लीक है। इसकी आयोग को निष्पक्ष जांच कराना चाहिए, उसके बाद ही आगामी चाहे पीसीएस हो चाहे जो भी एग्जाम हो उसके बाद ही एग्जाम लेना चाहिए, नहीं तो जो लोग इसमें शामिल है वो पीसीएस का भी पेपर लीक कर देंगे। और ये पेपर जो है एक दिन पहले ही जो है लोगों के व्हाट्सएप टेलीग्राम पे घूम रहा था, आयोग इसकी निष्पक्ष जांच कराए। और मैं यही मांग करता हूँ, पहली मांग ये है कि आयोग जो है तत्काल प्रभाव से परीक्षा निरस्त करे, उसके बाद जो भी इसमें सिंडिकेट शामिल है, परीक्षा माफिया या आयोग के कर्मचारी अधिकारी कोई भी शामिल हो, उन सबके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगामी परीक्षाएं हमारी सुचतापूर्वक और बिना लीक के ही संपन्न हो सके, नहीं तो आयोग और सरकार के ऊपर परीक्षार्थियों का विश्वास अब उठता जा रहा है। बस मेरी यही डिमांड है कि आप परीक्षा रद्द करें और जल्द से जल्द एग्जाम करें, और जो भी लीक में शामिल है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक से ही धरने पे है, जब से परीक्षा लीक हुआ है पेपर, और तब से ही धरना दे रहे हैं, और सारे छात्र रोज धरने पे बैठ रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। पर प्रश्न पत्र लीक हो गया, सभी के पास पहुंच गया है, छात्र पढ़ाई भी करेगा, छात्र धरना देगा, छात्र सबूत देगा, तो आयोग को हम फीस किस लिए देते हैं? उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। आज हम लोग यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक अध्यक्ष जी बाहर निकल के परीक्षा को निरस्त करने की और पुनर्परीक्षा की डेट नहीं दे देते हैं। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। छात्रों की सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो सबूत उनके पास पहुंचे हैं फिर क्यों इतना लेट कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा को निरस्त करना चाहिए। अभी यूपीपी की परीक्षा भी लीक हो गई है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और ये जो आरओ के लिए इतने छात्रों सड़कों पे बैठ रहे हैं, ये कब तक बैठेंगे? 17 मार्च को पीसीएस की भी परीक्षा है, हमें पढ़ना होता है, बिना पढ़े पेपर देने नहीं जाएंगे। ये चाहते ही है कि बच्चों ऐसे ही सड़क पर बैठे रहे, ताकि चक्का जाम इसीलिए हुआ क्योंकि हमारी मांगे सुनी ही नहीं जा रही। हम पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं, गेट पर बैठते थे, साइन से बैठते थे, लेकिन आयोग के अध्यक्ष बाहर नहीं निकलते थे, कुछ लोगों को बुला के उन्हें झूठे आश्वासन देके बाहर कर देते थे, लेकिन आज हम चक्का जाम किए हैं। जब तक वो बाहर आके परीक्षा को निरस्त करना सिर्फ एकमात्र विकल्प है, और दूसरी आश्वासन हम उनकी नहीं सुनेंगे। आपका नाम? कृष्णा ओझा।